सो आई एम जस्ट स्टीम आयरनिंग ऑल ऑफ माई क्लोथ ताकि सब बहुत अच्छे से दिखे वीडियो में. इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है मेरे को. आई एम स्वेटिंग लाइक क्रेज. मतलब मेरे स्वेटिंग इतनी आती नहीं है बट आई एम. तो ये होती है हमारी शूट से पहले की हालत, विच इज़ टोटली ओके. मैं अभी रेडी भी नहीं हूँ. अभी बस कपड़े, ये लास्ट पीस था, सब कुछ अभी फ़िलहाल ऐसे रखे हुए हैं. एंड या ऐसे मज़ा आने, ऐसे मुझे लग रहा है कि मेरा शूट ख़त्म हो गया बट अभी सिर्फ शुरू भी नहीं हुआ है. बट एनी वे मुझे जल्दी से रेडी होना है एंड आई हैव टू पिक एन आउटफिट फॉर इंट्रो. तो अभी कुछ भी ऐसे डिसाइडेड नहीं है. मेरा कभी भी कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता. मेरा इतना ज़्यादा रैंडम होता है ना एंड मुझे उसी में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है. लाइक मेरे को यूट्यूब करने का सिर्फ ये ही फ़न लगता है कि इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस. मतलब मुझे ना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मुझे ज़्यादा सोचना होगा तो मैं फिर मतलब ये नहीं करूँगी शायद. नो गर्म है वो इधर. अभी भी कोम कर दो पहले. ओके ओके ये लो कोम कर दो. फिर बारहवीं वाली फील आ रही है. हाँ. इन्हों यहाँ से कर दो. ये वाले कर दो. पिंक. ये पिंक. पिंक. यस पिंक. उल्टा ऐसे नहीं. बेबी फोटो. उसपे बेबी फोटो कह रही है वो कैटी कौन को. कैटी. 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 यस. वाओ. मेकअप बाद में पहले हेयर. इनू को मेकअप. मेकअप. एंजल. आईज. आईज मेकअप. हाँ. कौन सा वाला ले रहे हैं? सारे ले लेते हैं. वाओ सो प्रिटी. वाओ हो गया. हाँ. वाह बस. बेटा. नो आपको नहीं लगा. इन्होंने भी लगा ली. किसी भी दे रही है. एंड वाओ मेरे बाल ऐसे देख रही है ऐसे ऐसे करके. इनू कॉम कर दो. एंड आई एम रेडी फॉर द वीडियो गाइस. दैट्स हाउ वी डू आवर बीटीएस. सो इनाया गॉट मी रेडी. हाउ डू आई लुक? एंड द मोमेंट आई क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन नाउ I got my period. That is like so weirdly funny. And uske baad I had to change the entire bottom part. And now I'm very uncomfortable from down below. But I'm not gonna make you feel uncomfortable. So let's get started with the video now, please. So I was getting a lot of requests from a really long time to film a video, more of like an outfits video where I'm showing you outfits which are not like too revealing, जिसमें ज़्यादा skin show वगैरह ना हो. But जैसा कि तुम देख सकते हो मेरे पास वैसे ज़्यादा कपड़े हैं नहीं. तो लेकिन रुको, मेरे को भी वो प्रॉब्लम फेस होती है बहुत ज़्यादा. एंड मैं क्या करती हूँ, मैं ना कवर अप्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हूँ. येस. एंड वो बहुत ही ज़्यादा ना, आई डोंट नो हाउ टू से इट, वो ना एक अनदर लेवल वाली बेस्ट फ्रेंड होती है तुम्हारे क्लॉजेट में. वो तुम्हें हर जगह हेल्प करती है. तो मैं तुम्हें ना अपना पूरा कलेक्शन दिखाने वाली हूँ. बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. आई होप कि तुम्हें भी हेल्प करे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्या मैंने दो बार लेट्स गेट स्टार्टेड बोला? ठीक है ना, अब कर ही लेते हैं शुरू. क्या हो गया? अच्छा. Okay, so starting with this first thing, it was a kurti and it's a hack which I just tried. Abhi video film karne se pehle, tabhi tumhe thodi si na iski halat kharab lag rahi hai. Abhi se mujhe properly stitch karna hai. Abhi maine sirf ise cut kiya hai. Anyway, you got the idea. Ye yahan tak, it was like this much stitch. It was like a kurti, but maine ise cut karke ek jacket mein convert kar liya hai, which is I guess looking really nice and decent. And ek aisa hack hai ki tumhare paas कोई भी पुरानी कुर्ती या फिर शॉर्ट कुर्ता हो ना, जस्ट मेक अ स्लिट इन बिटवीन, दैट्स इट. कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एंड योर जैकेट इज रेडी. हाँ बस थोड़ा सा मुझे इसे स्टिच करवाना है क्लीनली. एंड या आई फील लाइक अ सुपर वूमन नाउ बिकॉज आई हैव अ केप. आई हैव दिस लेमन कलर ब्लेजर. आई स्टिल हैव द टैग. Can you like see what kind of a person I am? And imagine बाहर, वैसे मेरे साथ बहुत बार हुआ हुआ है, मुझे strangers आके बोलते हैं आपका ना पीछे ऐसे टैग लटका हुआ है, इसे ना ठीक कर लो. मैं कह रही हाँ ओके. एंड वो अभी भी यही है. वन थिंग विच आई एब्सोल्यूटली लव अबाउट दीज काइंड ऑफ ब्लेजर्स इज कि दीज आर इन कॉटन फैब्रिक. तो समर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट. प्लस इट गोज इवन विद बेसिक से भी ज़्यादा बेसिक वाला आउटफिट लाइक अ वाइट कैमी टॉप एंड डेनिम्स के साथ भी कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है. ऐसा लग रहा है
बिल्कुल प्रॉपर बॉस लेडी वाइज बट नॉट इन लाइक अ वेरी फॉर्मल वे, बहुत ही चिल मैनर में. यू नो वॉट, आई एम रियली ग्लैड कि आज वाली वीडियो थोड़ी सी ईजी है इन टर्म्स की, मुझे सिर्फ ऊपर से चेंज करना है, वरना अभी सब परेशान हो रहे होते. मैं बता रही हूँ, अगर मैं परेशान हूँ तो सब परेशान है, मार्क माई वर्ड्स. ओके सर, नेक्स्ट आई हैव अ रियली प्रिटी थिंग, मनी मत छोड़ कर. ओके सर, नेक्स्ट आई हैव अ रियली प्रिटी थिंग, इट्स दिस. ये वैसे ना एक कुर्ती के साथ आया था, उसके ऊपर ऐसे थ्री पीस कुर्तीज नहीं आती, उसके ऊपर एक जैकेट होती है, इट्स दैट. अरे यार, मेरे को तो बहुत ही मस्त लग रहा है कि इतने बेसिक आउटफिट के साथ सब चीज़ें जा रही है, मतलब अभी तक तो दैट्स गुड थिंग. एंड इट सॉर्ट ऑफ लुक्स लाइक दिस, ऐसे अनारकली मस्त चिल बोहो कैजुअल वाइब आ रही है. एंड यहाँ पे ऐसे ड्रॉ स्ट्रिंग्स भी है, तो तुम उसे बंद भी कर सकते. ओह लुकिंग नाइस. एंड यहाँ पे स्लिट वाली इफेक्ट भी आ रहा है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है. एंड यार, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर जस्ट परफेक्ट, मतलब थोड़ी इंडियन वाइब भी आ रही है, थोड़ी वेस्टर्न वाइब भी आ रही है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है. एंड या अच्छे से कवर अप भी है, मतलब ऑब्वियसली अंदर तुम कुछ भी पहन सकते हो, तुम्हारी चॉइस है. इफ आई वाज अ रिच गर्ल, फाइनली वी आर बैक विद माय बिगेस्ट डेनिम जैकेट्स कलेक्शन. तुम बोलो, सब है यहाँ पे. और ये मैंने लाइक एक साथ नहीं लिए, ओवर पीरियड ऑफ सम टाइम मैंने कलेक्ट करी है. मैं यू नो बहुत ही ज़्यादा चूजी हूँ, बिकॉज यू नो थोड़ा वॉर्डरोब में भी स्पेस सेव हो जाता है, तो देखते हैं क्या क्या है. आई गेस मैंने ये विंटर टाइम में ली थी, बट दिस इज़ सो समर अप्रोप्रिएट. एंड ये सबसे ज़्यादा क्वर्की वाली डेनिम्स है मेरे पास, प्लस दिस इज़ लाइक द ओनली वाइट डेनिम जैकेट आई हैव इन माई वॉर्डरोब. तो यार, दिस इज़ हाउ इट लुक. इसका बैक इतना ज़्यादा प्रिटी है, ये मैंने आई गेस मीशो से लिया था, बट आई गेस नाउ इट्स अवेलेबल एवरीवेयर. बहुत पहले ली थी मैंने ये, हाँ मैंने कभी बाहर से अभी तक नहीं पहना है, बट इट्स ओके जल्दी होपफुली. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स, वेरी क्यूट एंड ज़्यादा लंबी भी नहीं है, ज़्यादा क्रॉप भी नहीं है, इट्स लाइक अ परफेक्ट स्टाइल. तो हाँ, कवर अप करने के लिए इट्स ओके. नेक्स्ट इज अनदर वन ऑफ माई क्लासिक डेनिम जैकेट. इसका बैग बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है. ये जैकेट मैंने सरोजनी से ली थी 200 rupees में बहुत पहले, एंड ये अभी भी मस्त चल रही है. इसकी क्वालिटी अभी भी परफेक्ट है. ये हाफ स्लीव्स में है एंड क्रॉप स्टाइल. इसका बैक मैंने ना फैब्रिक पेंट से पेंट किया था, सोचा नहीं था, जो दिमाग में आया कर दिया. देखते हैं पहले, बाद में जज करना. इट्स रिटन क्यूट बॉय विथ, ये ऊपर कवाई लिखा हुआ है जापनीज में. देन आई हैव चेरी ब्लॉसम्स एंड यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ मैंने एक्सो एंड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. एंड ये अभी तक है वैसे यहाँ पे, ये बहुत बार वॉश हो गई है. ओके, मैं आपको ना जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ जस्ट द स्टाइल एंड मैंने कहाँ से ली. सो दिस वन इज़ फ्रॉम वेस्ट साइड, बहुत ज़्यादा पुरानी है, हालत देख के लग भी रही. इसके साथ एक डेनिम बेल्ट भी आई थी, पता नहीं वो कहाँ है, आई हैव नो क्लू. सॉर्ट ऑफ लाइक अ किमोनो जैकेट वाइब आ रही है, थोड़ा सा ऐसे कट आउट थिंग भी जा रहा है इधर उधर. एंड यार, मुझे बहुत टाइम हो गया मैंने पहना नहीं है, बहुत ही लाइट वेट में एंड सेल में ली थी मैंने. दिस वन इन पर्टिकुलर आई गॉट रिसेंटली ओनली, इन सेंस से ली थी मैंने. मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि लूँ या ना लूँ, क्योंकि थोड़ी एक्सपेंसिव थी, समथिंग अराउंड लाइक 1100. तो मैं बहुत ज़्यादा सोच रही, तो मैंने रख दी. फिर मैं पूरा स्टोर चेकआउट किया, फिर मैं लास्ट में मैंने कहा अच्छा मेरा इतना मन कर रहा तो ले लेती हूँ. एंड आई एम ग्लैड मैंने ली, बिकॉज ये मेरे बहुत ज़्यादा लुक्स के साथ चलती है ये. एंड इसके पीछे ना ऐसे इलास्टिक बैंड भी है, तो गिव्स अ रियली नाइस बॉम्बर जैकेट वाला चिल वाइब स्ट्रीट स्टाइल लुक. एंड या इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है डेनिम जैकेट्स की, तो मतलब ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती, तो ज़्यादा गंदी भी नहीं होती है, ज़्यादा वॉश नहीं होती, तो ज़्यादा ख़राब भी नहीं होती. दिस वन अगेन आई गॉट रिसेंटली, लाइक रिसेंटली मतलब कुछ महीने पहले, जनपद से ली थी मैंने ये 300 rupees की आई गेस. सो या एंड इसके यहाँ पे ऐसे ड्रॉ स्ट्रिंग्स भी है, मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने ऐसे पॉकेट में डाल के रखती हूँ. एंड प्लस इसके बटन्स बहुत कूल है, इट्स लाइक दिस. मैं बताती हूँ, मेरे को पता कैसी वाइब आती है इससे, पुरानी बॉलीवुड मूवीज नहीं होती जिसमें हीरो ऐसे करता था. I love doing that, man. Anyway, very lightweight, very comfortable. And as a street markets में ना ऐसी denim jackets लेनी मुझे लगता है कि ज़्यादा appropriate होता है, because you know अच्छे price में मिल जाती है. Always save the money. This I'm telling you, ये दो दिन पहले मिली है मुझे. मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पास ये है. Wow, Sonia, wow. ये full sleeves में, it's not like a jacket, but a shirt. See? पूरा बटन है, थोड़ा लंबा भी जा रहा है. सो या इसमें मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है,
थोड़ी सी मोटी है बट या मतलब जब थोड़ी ठंड वाला मौसम नहीं आने लग जाता और फिर हमें लगता है कि गर्मी वाले कपड़े नहीं चलेंगे. सो दिस कैन गो मे बी. गाइज डोंट वरी, डोंट गेट ओवरवेल्म्ड. ये सब मेरे को बहुत टाइम लगा है कलेक्ट करने में एंड कलेक्शन बनाने में. लेकिन उससे पहले मैं पता क्या करती थी, मेरे पास जो नाइट सूट्स या ट्रैक सूट्स होते थे ना, तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, आई यूज टू वेयर देम एंड आई लिटरली यूज टू अटेंड माई ब्लॉगिंग इवेंट्स. आई एम नॉट इवन किडिंग. एंड किसी को पता नहीं चलता है बिकॉज एवरीथिंग इज़ फैशन. तो मेरे को बाहर निकलोगे ना, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ओ हमें कोई जज कर रहा है, इसको पता चल जाएगा कि मैंने क्या पहना हुआ है. नोबडी केयर, सबके दिमाग में उनका चल रहा है कि यू नो हम कैसे लग रहे हैं. सो या बी चिल. दिस इज़ लाइक मेरा नाइट सूट का शर्ट जिसे मैंने ओपन करके ऐसे जैकेट बना लिया है. सो या किसी को पता नहीं चलेगा. बहुत ही कूल एंड मस्त चिल वाइब आ रही है. इसे फोल्ड कर लो, कैसे भी घूमो. तुम सोच रहे होगे कि इतनी हाइपर क्यों है, इतनी हाइप्ड अप क्यों है. मुझे लग रहा है कि आई एम मेकिंग अ वीडियो, दैट्स वाई आई एम हैप्पी एंड एक्साइटेड. अदरवाइज अगर ये नॉर्मल डे होता या फिर मे बी मैं शूट नहीं कर रही होती आज, मैं अंदर बैठ के रो रही होती. थैंक्स टू यू गाइस, तुमने मेरा दिन बना दिया है, थैंक यू. एनी वे, ये एक अदर कवर अप है मेरे पास. ये हमने सरोजनी से लिया था. मनी गॉट दिस वन फॉर मी एंड या पूरा शाइनी शिमरी. ओ इसको ऐसे भी कर सकते हैं. ओ या दिस इज लुकिंग सो कूल. मैं पार्टी रेडी हूँ. ओ माई गॉड, मुझे पता नहीं था मैं रेडी हो गई. वैसे इसके साथ ये भी था. ओ इसके साथ हम पता है क्या कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस जो आजकल बहुत ट्रेंडी नहीं है. आई मीन यू नो पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, कुछ भी कर सकते हो, इसे हटा भी सकते हो. ये मेरी टेल लग रही है. व्हाट इज हैपनिंग, लव द पोलका डॉट थिंग गोइंग ऑन ऑल ओवर. ओ इसके यहाँ पे भी ऐसे वाला बटन है. सलमान खान आ गया है. यू वोंट बिलीव, लोकल मार्केट्स में इतने मस्त ब्लेजर्स मिलते हैं ना. तुम बाहर जाओ, लिटरली फॉर्मल ब्लेजर्स इतने महंगे मिलते हैं. मैंने ये दो बहुत टाइम पहले पिक किए थे टुगेदर किसी स्टॉल से सरोजनी नगर में. क्वालिटी अभी भी परफेक्ट है एंड ये लेस देन 100 रुपीज़ के थे. मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं याद बट मैं इतनी खुश हो गई थी. मुझे ये याद है कि 100 रुपीज़ के अंडर थे ये. लेट मी ट्राई दिस वन फॉर यू. ये थोड़ा सा ना इट्स नॉट लाइक टाइट फिटेड या फिर पूरा फिटेड बट मैंने इसे बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं करवाया. मुझे इसकी वाइब ऐसे ही मस्त लगती है. मैं इसे हमेशा फोल्ड करती हूँ थोड़ा सा यू नो अच्छा सा इल्यूजन क्रिएट करने के लिए बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये लूज है. तो यू कैन सी हाउ इट लुक्स. एंड नेक्स्ट आई हैव दिस वन, इसको भी मैंने पहना है. ओ माई गॉड, दीज टू ब्लेजर्स आर ब्रिंगिंग ऑल ऑफ द गुड मेमोरीज बैक. That's crazy man. ये थोड़ा सा टाइट, एक सेकेंड, थोड़ी गर्मी में पसीना आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है. What is happening? I'm stuck. I'm literally stuck. And plus मैंने थोड़े से overtime muscles भी gain करे हैं थोड़े से, तो ये आर्म से टाइट हो गया है. Can you see? I have no space. But anyway यहाँ से अभी भी perfectly fit हो रहा है. You can see how it looks. पिंक कलर, इट्स सच अ नाइस डिफरेंट पिंक. मुझे लगता है कि अगर मैं इसे अलग से फैब्रिक लेके भी स्टिच करवाऊँ ना, कोई ऐसे वाला नहीं मुझे बना के दे सकता है. एंड आई एम जस्ट ग्लैड कि मुझे मिल गया. एंड दिस इज लाइक अनदर वन ऑफ द कवर अप. तुम अंदर कुछ भी ऐसे ट्यूब टॉप या फिर शर्ट भी पहन सकते हो एंड इट विल लुक वेरी नाइस. ओ आई हैव वन मोर. ये चेक्स में है, बिल्कुल स्मॉल चेक्स. फॉर्मल में चेक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं बट बिकॉज इसका कलर बहुत ही ऐसे लाइट पेस्टल ग्रीन है तो ये थोड़ा सा फॉर्मल लुक दे रहा है. ये बहुत ज़्यादा ओवरसाइज्ड है, थोड़ा लॉन्ग भी है बट यही इसी की वाइब है. एंड मैंने ये स्पेशली, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ से लिया था एंड कितने का लिया था, पर मुझे ये याद है कि मुझे ना इससे मैचिंग शॉर्ट्स भी चाहिए थी ताकि यू नो कोऑर्डिनेट मैचिंग फॉर्मल सेट बन जाए. वो बहुत पॉपुलर थे उस टाइम पे. अगर तुम्हें मिले ना ऐसा कुछ भी शॉर्ट्स में, प्लीज़ मुझे नीचे लिंक दे दो. यू विल जस्ट मेक माई ड्रीम कम ट्रू. एनी वे दिस इज इट अबाउट इट. प्लीज़ लिंक भेज देना. वी लेफ्ट विद टू थिंग्स, लेट्स डू दिस वन फर्स्ट. ये अगेन इट्स लाइक अ किमोनो बट ये एज अ कुर्ती आया था मेरे पास, कुर्ती का कवर अप. सो या इसके आगे वी हैव दिस, बांध भी सकते हैं इसे. लेकिन सो प्रिटी. नीचे के पास पोलका डॉट है, यहाँ पे इट हैज़ लाइक प्रिंट्स गोइंग ऑन. बहुत ही मस्त वाइब आ रही है एंड ये बहुत ही ज़्यादा पतला है. एज यू कैन सी ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी है बट एनी वे गुड. अगर तुम अंदर कुछ भी ऐसे यू नो स्ट्रैपी टॉप या वगैरह कुछ भी पहन रहे हो उसके साथ बहुत ही अच्छा जाएगा. प्लस
इट विल सेव योर मनी एज वेल बिकॉज ये तुम्हारे इंडियन लुक्स के साथ भी जाएगा. वाओ सो गुड. ये ओके लास्टली आई हैव दिस जैकेट सॉर्ट ऑफ थिंग जो कि मैंने ना रानीबाग से ली थी बहुत पहले अनपॉपुलर मार्केट सीरीज में. एनी वन रिमेंबर दैट? ओ गॉड मैंने वो स्टार्ट करी एंड लॉकडाउन वगैरह सब शुरू होने लग गया. एनी वे ये मैंने रानीबाग से लिया था. दिस इज लाइक अ लाइक आई डोंट हैव द नेम फॉर इट बट यू कैन सी हाउ इट सॉर्ट ऑफ लुक्स. ये बिल्कुल ही ऐसे हाफ स्लीव्स में है तो प्रॉबेबली इफ यू आर कंफर्टेबल वेयरिंग दीज काइंड ऑफ जैकेट्स मे बी यू कैन इन्वेस्ट इन दीज. सो या अदरवाइज इट्स लाइक अ फॉर्मल कैजुअल थिंग. आई गेस वी हैव टू वेयर अ स्कर्ट नॉट लाइक अ जीन्स और पैंट्स. व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट नो. सो गाइज दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो आई गेस. हाँ सब हो गया है. और भी शायद चीज़ें होंगी जो मुझे शायद अभी याद भी नहीं है. तो अगर तुम उसे मेरी किसी दूसरी वीडियो या फोटो में देखोगे इंस्टाग्राम पे तो मैं बता दूंगी मैंने कहाँ से लिया. ओके आई प्रॉमिस. तुम मुझे हर बार पूछते हो कि ये वाली जैकेट मैंने कहाँ से ली या फिर ये वाला आउटफिट मैंने कहाँ से लिया. तो इस वीडियो में आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितना मुझे याद है मैं बता दूँ साथ साथ कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से ली है. तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मोस्टली सारी आइटम्स बाहर से या फिर लोकल मार्केट से ही मैंने ली थी. तो सिमिलर लिंक्स प्रोवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा लेकिन अगर मुझे तब भी मिलता है प्रॉपर रिसर्च के बाद सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मुझे जितने भी लिंक्स मिलेंगे ना सिमिलर मैं उन्हें लिंक कर दूंगी तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड या कैसी लगी वीडियो? आई होप इट जेन्युइनली हेल्प यू एंड तुम्हें थोड़े से आइडियाज़ आए होंगे कि क्या क्या चीज़ें एज अ कवर अप होनी चाहिए वार्डरोब में जो कि यू नो समर्स में हमें हेल्प करेगा. लॉकडाउन खुल गया थोड़ा सा शोर बढ़ना शुरू हो गया. एनी वे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वन. बाय.